सुजानपुर शहर में बीपीएल सर्वे नए सिरे से करवाया जाएगा, जिसके साथ साथ नगर परिषद के अंतर्गत बनाई गई दुकानों, रेहड़ियों एवं अन्य संस्थानों को किसके नाम पर किराए पर चढ़ाया गया है, वर्तमान में उन दुकानों, उन संसाधनों पर कौन बैठ रहे हैं, इसकी विस्तृत जानकारी ली जाएगी। चुनावों से पहले सुजानपुर शहर के अलग अलग वार्डों में कौन से विकास कार्य जारी किए गए हैं, संबंधित ठेकेदार 7 दिन के भीतर निर्माण कार्य शुरू करें, अगर ऐसा नहीं होता है तो ठेकेदार अपना कार्य कैंसिल समझें, तमाम जनहित के फैसले नगर परिषद सुजानपुर की प्रथम बैठक में लिए गए हैं। नगर परिषद कार्यालय में आयोजित नव निर्वाचित पार्षदों की प्रथम बैठक नगर परिषद अध्यक्षा बीना दीवान के अगुवाई में संपन्न हुई। बैठक में विशेष रूप से नगर परिषद अधिकारी संजय कुमार मौजूद रहे। बैठक में विशेष कार्यों के साथ साथ जनहित मुद्दों पर भी चर्चा की गई। सर्वसहमति के साथ साथ प्रस्ताव डाला गया कि शहर के सभी वार्डों में पार्षद शुरुआत में 5-5 लाख रुपए से विकास कार्य करवा सकते हैं। सुजानपुर शहर में बीपीएल श्रेणी में फर्जी गरीब अधिक दिखाई पड़ते हैं, ऐसे में पूरे शहर में बीपीएल सर्वे नए सिरे से होगा। शहर के अलग अलग वार्डों में प्राकृतिक पानी के जल स्रोतों के जीर्णोद्धार को लेकर सभी पार्षदों ने सहमति दिखाई। इसके साथ साथ वार्ड नंबर 1, 2 और 9 के लोगों को जो पुरातत्व विभाग के अंतर्गत नोटिस जारी हो रहे हैं, उनके ऊपर भी प्रस्ताव डालकर उपायुक्त हमीरपुर के माध्यम से वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर को भेजने का प्रस्ताव डाला गया है। बैठक में नगर परिषद उपाध्यक्ष पवन कुमार के साथ साथ सभी वार्डों के पार्षद भी मौजूद रहे। नगर परिषद की आज जो नई कमेटी बनी है उसकी आज पहली बैठक हुई। इसमें हमारे 9 वार्ड हैं, 9 वार्डों के 9 के 9 पार्षद इसमें बैठक में मौजूद रहे। इस बैठक में जो विशेषकर इन्होंने अहम मुद्दे उठाए उसमें जैसे कि बीपीएल का जो पुनर्निर्धारण किया जाएगा उसकी सूची अभी इन पार्षदों को हमने दे दी इनके कहने पे, और उसमें ये उसको वेरीफाई करेंगे, उसके बाद हम ऑफिस की तरफ से वेरीफाई करेंगे, फिर बीपीएल का दोबारा से जो है निर्धारण किया जाएगा। इसके अलावा जो नगर परिषद में मेन मुद्दा इन्होंने उठाया पार्षदों ने कि जो हमारी दुकानें नगर परिषद की है उसकी जो सूचना है वो इनको दी जाए, और उसमें कितनी दुकानें सबलेट हैं उसकी जानकारी भी इनको दी जाए ताकि नगर परिषद और सबलेट की दुकानों के ऊपर जो है आगामी कार्रवाई कर सके। इसके अतिरिक्त ये भी निर्णय लिया गया कि जो शहर में हमारे कुएं हैं, प्राकृतिक स्रोत हैं, बॉडियाँ हैं, इनका जो है चरणबद्ध तरीके से जो है रेनोवेशन इनकी की जाए। इसके अलावा जो इलेक्शन से पहले जो काम लोगों को ठेकेदारों को अवार्डेड थे उन पर यह निर्णय लिया गया कि वो 7 दिन के भीतर जो है वो कार्य शुरू करें, और अगर वो नहीं करते 7 दिन में तो उन कामों को रद्द किया जाए और पुनः टेंडर उनके लगाए जाएं। पर जाते ही पता लगेगा, जो जो हमारे पास वस्तु स्थिति मिलेगी उसकी फिलहाल हम जानकारी इनको अगली बैठक में देंगे, फिर उसके बाद जो भी आगे निर्णय होगा उसके अकॉर्डिंगली काम करेंगे। इसके अतिरिक्त ये भी निर्णय हुआ आज लिया गया है कि लोगों की एप्लीकेशन थी कि जो हमारा वार्ड नंबर 1, 2 और 9 है और जो है वो आर्कियोलॉजी के अधीन आता है, तो इनकी डिमांड थी कि हमारा जो एक मांग पत्र है वो रेजोल्यूशन के माध्यम से माननीय केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी को उपायुक्त महोदय के माध्यम से भेजा जाए।